तो एक बार ज़रूर आ सकते हो, अच्छी जगह है, मतलब कश्मीर वाली वाइब्स आएगी आपको यहाँ पे। गुड़गांव से दिल्ली जाना आसान काम नहीं है। मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज है हमारा day 4 और हम आज वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो अभी बज रहे हैं 9:30, अब बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और बोला तो था यहाँ पे बुफे है रिसेप्शन वाली मैडम ने, बट देखते हैं चलते हैं कैसे है, दिखाते हैं आपको भी। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, बुफे था, अच्छा था और मस्ट रिकमेंडेड प्लेस अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो। ये हमें पड़ा विद ब्रेकफास्ट बुफे 4000 समथिंग, मतलब अराउंड 4000 का ही पड़ा है। और बस अब निकल रहे हैं, 10:30 हो गए, डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। बट बीच में एक स्टॉप है जो मार्बल का शायद कुछ म्यूज़ियम सा बना रखा है, कुछ ऐसा ही है, वो देखेंगे, अगर सही लगता है तो आपको भी दिखाएंगे। और वो रास्ते में पड़ेगा तो देखते हैं, चलो चलते हैं। अभी हम मार्बल डंप यार्ड आए थे तो वहाँ पर एंट्री में उन्होंने बोला कि पहले टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा आपको लेने। तो पहले से आप ले लेना, मार्बल एसोसिएशन है एक यहाँ पर जगह, सीधा वही गूगल पे डालना और टोकन लेके फिर वहाँ पे जाना, क्योंकि अगर पहले वहाँ चले जाओगे फिर आपको टोकन लेने दोबारा आना पड़ेगा। ये है वो जगह, ये पर्ची है, टोकन जिसे कहते हैं, ये लिया इन्होंने। और कोई चार्ज नहीं है, बस वेला ही है कि आपको 1.5 किलोमीटर जाके बस ये अपना नाम लिखवाना है और आधार कार्ड नंबर और गाड़ी नंबर लिखवाना है, बस इतना ही है। तो ये है मार्बल डंप यार्ड, सही है, ऐसा लग रहा है स्नो है पूरी जगह, तो आपको स्नो का मज़ा राजस्थान में भी मिल रहा है। ये एक छोटी सी लेक बना रखी है पर इसको छूने के लिए मना कर रखा है क्योंकि ये शायद केमिकल्स वाली होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद, वीडियोज़ बनाने के बाद हम निकल गए हैं। तो एक बार ज़रूर आ सकते हो, अच्छी जगह है, मतलब कश्मीर वाली वाइब्स आएगी आपको यहाँ पे। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुके थे, जगह तो मुझे नहीं पता है बट जयपुर क्रॉस कर लिया था, बहुत मतलब हो गया होगा, आधा घंटा हो चुका है, पेट्रोल पंप ही था तो बस रुके थे स्ट्रेच व्रेच करने और थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ करने। बाकी 108 किलोमीटर दूर है यहाँ से हल्दीराम, तो वही जाके लंच करेंगे सीधा। अभी तो बज रहे हैं 2:25 हो गया। टोल टैक्स पर खड़े हो जाओ, हमेशा वही लाइन रुक जाती है। तो अभी हम बस लंच ब्रेक पे रुके हैं, हल्दीराम है यहाँ पे और स्टारबक्स भी है, तो देखते हैं पहले कुछ खा लेते हैं हल्दीराम से, फिर कॉफ़ी पीते हैं स्टारबक्स से। वॉशरूम ब्रेक क्लियर का क्विक ब्रेक है, ये बाबा भारती का ढाबा समथिंग है, यहाँ से हमारा घर रह गया है सिर्फ 1.5 घंटा रह गया होगा, तो
चलते हैं घर अब सीधा इसके बाद। दिल्ली जाना आसान काम नहीं है। जस्ट अभी घर पहुंचे हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है और ये हमारे पूरे ट्रिप का स्टेटस है। 958 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है, टोटल 25 घंटे चली है, 36 की एवरेज स्पीड और 12 की इसने एवरेज दी है हमको। तो ये थी हमारी एमजी एस्टर और एक छोटी सी ट्रिप राजस्थान की। इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, ये सीरीज़ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टेक केयर। Thank you.